नमस्ते दोस्तों, इंडियंस किचन क्वीन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एकदम नर्म, मुलायम और रसभरी बालूशाही की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे खाकर आप गुलाब जामुन का स्वाद भी भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 कटोरी मैदा है, इसका उपयोग हमने छान करके किया है और ये ग्राम में 200 ग्राम है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिल जाए। एक चौथाई हिस्सा हम घी डालेंगे इसमें मोयन के लिए। सभी चीजों को अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिलाते हैं। मैदे में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ गई है। अब हम इसमें दही डाल देते हैं और सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। इसमें एक चीज और डालना अभी बाकी है और वो है ये चाशनी, जो बालूशाही में अंदर से मिठास घोल देती है। इन सभी चीजों को हम मिला लेते हैं और अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी का उपयोग कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका डो बना करके हम तैयार करेंगे। हमें मैदे का एकदम सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, बस इस तरीके से करते हुए मैदे को एक दूसरे से हमें चिपकाना है, इसको सेट करना है। अगर हम ज्यादा मसल के डो बनाते हैं तो जो हमारी बालूशाही है वो बराबर से फूल नहीं पाती है। हमारा डो बनकर के तैयार है, पर बालूशाही में जो लेयर आती है उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है। हमें इसको 2 भागों में तोड़ लेना है और इसके ऊपर रखते हुए इसी प्रकार 6 से 7 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमारा डो तैयार है, इसे हम ढक करके रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। जितनी मैदे की क्वांटिटी थी उसी के हिसाब से इसमें हम 2 कटोरी शक्कर डालेंगे, क्योंकि जो बालूशाही रहती है वो चाशनी को पी लेती है। इसमें 1 गिलास हम पानी डालेंगे। शक्कर घुलने लगी है, अगर हम पानी ज्यादा डालते हैं तो चाशनी बनने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर हम परफेक्ट नाप से डालते हैं तो चाशनी हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालेंगे, इसमें केसर भी डाल सकते हैं या येलो कलर भी डाल सकते हैं। ये हमारी चाशनी तैयार है बालूशाही को डुबाने के लिए। हम छोटा सा एक पेड़ा काटेंगे इसमें। इस प्रकार से हमें सभी बालूशाही को बना करके तैयार कर लेना है। हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, एक एक करके सभी बालूशाही हम इसमें डाल देंगे। हमें ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, अगर हम हाई फ्लेम में सेकेंगे तो बालूशाही अंदर से नहीं सेक पाएंगे। हम सभी बालूशाही को चाशनी में एक एक करके डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी परफेक्ट रसभरी बालूशाही। हमारी ये बालूशाही रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ऑन कर देना ताकि आने वाली रेसिपी आपको जल्दी मिल जाए।